सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज भी उम्मीद करते हैं वो प्लेट हम आपके सामने लेके आएंगे जब आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के पर लॉट के प्रॉफिट होंगे। ये तो हम आपके लगातार रख ही रहे हैं और हमारे लिए चैलेंज भी है और हमको अच्छा भी लग रहा है कि आपको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है इस सारी कॉल से। इसी सिलसिले को हम आगे और बढ़ाते हैं और आज की ट्रेडिंग कॉल्स भी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में क्या होगा एक बार उसकी एक झलक भर आप देख सकते हैं। अभी ग्राफिक्स के लिए आपके सामने होगा। आज 9600 मार्केट के लिए बहुत अहम सपोर्ट रहेगा, ये नहीं टूटना चाहिए। एक्चुअली S1 है, इस पूरी सीरीज का भी S1 आप कह सकते हैं, क्योंकि हम सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना होगा। 9700 की कॉल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 9500 की पुट में आपको कामकाज करने में मज़ा आएगा, इस पुट को बेचा जा सकता है। ये बहुत ही सेफ पुट है क्योंकि बाजार अब जल्दी जल्दी इस लेवल तक नहीं पहुंचने वाला। सीरीज के लिए बैंक निफ्टी 24,000 तक जा सकता है और हो सकता है आंकड़ा आज ही आ जाए। अगर आज एक ही खेमा चल गया, चाहे प्राइवेट या फिर निजी, ये 24,000 का बैंक निफ्टी आपको मिल जाएगी। ऑप्शन ट्रेड देखना चाहते हैं तो 24,000 की 29 जून की एक्सपायरी वाली कॉल प्लस करनी है और 23,500 की पुट ये एक्टिव है, इसको शॉर्ट करना है। लेकिन जून सीरीज की 29 तारीख रखिएगा, 22 तारीख की अवेलेबल है वो नहीं करेंगे। 29 तारीख के कुछ एक शेयर्स भी हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें अच्छी डिलीवरी है जैसे कि टाटा केमिकल और NBCC। ये दो शेयर हैं जिसमें हाई डिलीवरी है। कुछ एक स्टॉक्स आज हमने ले लिए हैं जो कि गेस्ट की पिक्स हैं, इसलिए अब आपको ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, अब वो करना शुरू करते हैं। आज के तीन मेहमान राजेश सतपुते हमारे साथ हैं जो कि डेरिवेटिव्स देखते हैं, हेमंत ठुकराल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथी के सुब्रा मेरे साथ तब फ़ोन लाइन पे हैं जिनसे अब थोड़ी देर में भी बात करना शुरू कर देंगे। पहले तो राजेश आपके पास ही आते हैं। अभी आप कार्यक्रम की शुरुआत में भी कह रहे थे कि निफ्टी ट्रेड करना चाहिए या पॉजिटिव साइड। सर आज का टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, जरा ये बताइए। देखिए निफ्टी में डेफिनेटली कल हमने देखा एक लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग, जैसे मॉर्निंग में बात कर रहे थे, इससे क्लियरली फॉलिंग वेज फॉर्मेशन, इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन। अपसाइड में मुझे लगता है कि निफ्टी ने कल जो ब्रेकआउट दिया 9650 के ऊपर वो मोमेंटम रिज्यूम रहेगा। हालांकि थोड़ा इनिशियल मॉर्निंग सेशन में सब्ड्यूड होगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। सो वन कैन बाय निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 9620, टारगेट विल बी 9720। जी, हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ मौजूद हैं और के सुब्रा भी हैं, और राजेश की आपने स्ट्रैटेजी समझी, ये बाय करने की सलाह दे रहे हैं 9720 के टारगेट्स के साथ, स्टॉप लॉस 9620 का, वही लेवल है जिनकी हमने अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की भी थी। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 9620 का, जिसको वो एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट कर रहे हैं। हेमंत, पहले तो एक चीज कहना चाहूंगी, कल आप कह भी रहे थे कि निफ्टी के बजाय निफ्टी बैंक आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है और कल एक स्ट्रांग मूव हमने निफ्टी बैंक पर देखा भी, तो अच्छी कॉल थी आपकी निफ्टी बैंक पर। लेकिन ये बताइए आज निफ्टी पर क्या करेंगे, पिछले 8-9 सेशन के कंसोलिडेशन फेज में जिसने भी निफ्टी को बाय किया उनको कल रिवॉर्ड मिला, आज भी रिवॉर्ड मिलेगा अगर खरीदेंगे? देखिए मेरे हिसाब से जो हम रेंज डिस्कस करते आए थे, अब उसको ऊपर की साइड एक छोटा सा मिनी ब्रेकआउट जिसको हम बोल सकते हैं कल निफ्टी ने दिया है, एंड निफ्टी हैज मैनेज टू क्रॉस 9630। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जिस तरह से कल 96 पुट में एडिशन हुआ, 97 पुट में एडिशन देखने को मिला और 97 कॉल में फर्स्ट साइंस ऑफ अनवाइंडिंग देखने को मिला। तो ये तीनों ही ऑप्शंस का डेटा ये बता रहे हैं कि अभी तेजी मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो लेवल को जहां से ब्रेकआउट आया है, तो 9630 मेरा अब स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 9730। सो जो राजेश कह रहे हैं मोर लेस लेवल वही है, बट मेरे हिसाब से तेजी का ही सौदा बिठाना चाहिए। ठीक है, तो आपने हेमंत की स्ट्रेटजी भी देखी 9730। आप दोनों की स्ट्रेटजी का टारगेट देखिए और दोनों का स्टॉप लॉस देखिए। दोनों ने एक ही काम किया जो हम सुबह कह रहे थे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस को ऊपर उठा लिया, टारगेट को भी ऊपर रख दिया। 9730 आज का टारगेट है, दोनों कॉल लेवल्स से मैच कर गई। के सुब्रा की तीसरी कॉल ले लेते हैं। सुब्रा आप निफ्टी पे क्या करेंगे आज? ठीक है, 9725 का टारगेट दे रहे हैं। देखिए दीपाली एक चीज आपने तीनों में नोट की, तीनों का टारगेट ऑलमोस्ट सेम, स्टॉप लॉस भी सेम है, तीनों की एक बार प्लेट दिखाइए निफ्टी में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल जो हमारे टारगेट्स थे कल के मूव के बाद, अब वो एक स्टॉप लॉस बन गए या फिर एक सपोर्ट बन गए। बिल्कुल, ये S1 और S2 का गेम है आपको जो मिल रहा है, 9630 स्टॉप लॉस, 9730 टारगेट निफ्टी का,
ये हेमंत की कॉल थी। इसके अलावा 9720 और 9620 ये राजेश की कॉल थी। सुब्रा की कॉल 9725 9620 सबके स्टॉप लॉस मैच करके, सबके टारगेट मैच करके। इसलिए क्यों कन्फ्यूजन, आज उठाइए सौदा, बना लीजिए, लगा लीजिए स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट होना चाहिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं बैंक निफ्टी पर। एक बार राजेश अपनी बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग कॉल दीजिए, 24,000 लग जाएगा। लगना तो चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी का जो रेंज था वो रेंज यही थे कि 23,500 ये मीडियम था, 23,000 का पुट सबसे ज़्यादा एक्टिव था, 24,000 का जो कॉल था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव था। जब मीडियम के हिसाब से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी 23,400 का जो लेवल है वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग देख रहे हैं पिछले रफली 9-10 ट्रेडिंग सेशन ये लेवल अच्छे से मेंटेन हो रहा है। सो जो स्टॉप लॉस है और कल जो मोमेंटम है उसके बाद जो स्टॉप लॉस 23,400 का था वो 23,500 हुआ है और इसका जो टारगेट मेरा रहेगा वो रहेगा 23,950 का। जी तो निफ्टी बैंक पर खरीदारी की सलाह है राजेश की ओर से, 23,500 का स्टॉप लॉस यानी वही लेवल्स जो कल टारगेट के बतौर दिए जा रहे थे, 23,500 23,600 की रेंज में कल टारगेट्स दिए जा रहे थे, अब वो स्टॉप लॉस बन गए हैं और नए टारगेट्स आ गए हैं 23,950 के, 24,000 तक जाने का अटेम्प्ट ले सकता है निफ्टी बैंक, ऐसा राजेश भी मानते हैं। हिम्मत निफ्टी बैंक पर तो आई एम श्योर आप बुलिश होंगे, निफ्टी बैंक पर कॉमेंट में बाद में लूंगी, पहले ये बताइए निफ्टी पर आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन है? देखिए दीपाली मेरे हिसाब से जो कल हमने कॉल रिकमेंड की थी सेम ही रहनी चाहिए, 97 कॉल में आज भी बाई की सलाह दूंगा, सिर्फ रेट्स रिवाइज हो गए हैं, 42 से 44 रुपए के आसपास ये मिलनी चाहिए हमें, इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 20 रुपए का और टारगेट 75 रुपए का जो मोर ऑर लेस निफ्टी के टारगेट्स के साथ मैच करेगा, क्योंकि अगर 9730 आएगा तो ये कॉल तकरीबन 75 से 80 रुपए के बीच की बिकनी चाहिए और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है 9630 तो ये 20 रुपए तो नहीं 25 रुपए तक भी शायद बिक जाएगी, बट फिर भी सेफर साइड पे स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखा है मैंने। ठीक है, इस कॉल के अंदर कल अच्छा मुनाफा आपको हुआ होगा, करीब 17 रुपए ये कॉल चली है, आज और भी चल सकती है, 75 रुपए तक का टारगेट आपको रखना है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी आप सुबह सुबह खुलते सौदा मारेंगे तो 42 से 43 रुपए में आपको मिल जाएगी जो कल की इसकी क्लोजिंग, क्योंकि आज गैप नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बैंक निफ्टी पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है हेमंत? देखिए बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल इट्स मोर लाइक रिवाइजिंग द स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है, रिकमेंडेशन सेम रहेगा, बाई ही करना है सबको, स्टॉप लॉस है 23,450 का और टारगेट हो जाएगा 23,950 का जो राजेश ने भी बताया। लेकिन मैं एक चीज बैंक निफ्टी में जरूर बोलना चाहूंगा कि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि बैंक निफ्टी में कल जो बैंक्स नहीं चल रहे थे उनमें कल मूवमेंट देखने को मिली हैवी वेट्स में, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, तो मेरे ख्याल से ये बैंक्स आज भी जो है वो मोमेंटम मेंटेन रहेगा, एक्सिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में भी खास नजर रख सकते हैं। ठीक है, तीनों बैंक पे तो आपको ध्यान रखना है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई। कल हमसे मिहिर भी पूछ रहे थे कि आईसीआईसीआई और एसबीआई में क्या करना चाहिए, हमारा भी व्यू पॉजिटिव है उस पर और आज एक्सपर्ट्स भी उस पर पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। बैंक निफ्टी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, आज 24,000 तक पहुंचने का अटेम्प्ट होगा, यहां पे अपने प्रॉफिट्स को आप चाहें तो एक बार बुक भी कर सकते हैं। सुब्रा की राय बिल्कुल न्यूट्रल है इसलिए बैंक निफ्टी पर हम उनकी कॉल नहीं ले रहे हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं, राजेश आज का पहला शेयर मुनाफे वाला शेयर। देखिए मुझे लगता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे जो सेलिंग हम देख रहे थे HPCL, IOCL, BPCL कहीं ना कहीं यहाँ पे थम जानी चाहिए। उसमें से अगर मुझे पिक करना है तो मैं BPCL को पिक करूँगा, 667 का इसका जो प्राइस है, आई थिंक पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से वन वे सेलिंग है। टेक्निकल में हम लोग इसको C9 फॉर्मेशन बोलते हैं, C9 फॉर्मेशन मीन्स अगर 9 दिन लगातार कोई स्टॉक गिरता है तो जनरली एक दिन एक रिलीफ रैली मिलती है, तो मुझे वो रिलीफ रैली खेलनी है तो मैं BPCL को चूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा BPCL का वो 660 के आसपास का रहेगा और टारगेट रहेगा 694 का। ठीक है, तो पहली कॉल राजेश की ओर से खरीदारी की तरफ आई है BPCL, कल हालांकि डेलो पर बंद हुआ था लेकिन एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसीलिए 694 के टारगेट्स हैं और 660 का स्टॉप लॉस। हेमंत आपका पहला स्टॉक रिकमेंड जो आप करेंगे वो कौन सा रहेगा? देखिए मैं एक निफ्टी का स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा अदानी पोर्ट, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत अहम है मेरे हिसाब से। पहला, जिस तरह से कल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 7% का फ्रेश,
स्टॉक ने नया 52 वीक हाई बनाया है, वो बहुत क्लियर है, तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे है। जिस तरह से 360 की पुट में कल जमाव हुआ है, तो बेस फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 368 जहां से ब्रेकआउट आया है, और टारगेट रहेगा 383 का। तो अदानी पोर्ट मेरे हिसाब से इज अ गुड बाइंग पिक ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, अदानी पोर्ट हमने कल भी क्लोजिंग में भी डिस्कस किया था, और ये आपसे कहा था कि अदानी पोर्ट को आप जरूर ध्यान रखिए, शेयर अच्छा चल सकता है। आज सुबह सुबह हमको हेमंत की तरफ से भी कॉल मिल रही है, अदानी पोर्ट का डाटा नो डाउट, स्ट्रक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और उम्मीद करते हैं कि शेयर अच्छा चलेगा। तो दो कॉल्स आपको मिल गया है, पहला तो BPCL बाय है राजेश सतपुते की तरफ से, और अदानी पोर्ट बाय है हेमंत ठकराल की तरफ से। अब सुब्रा की बारी, सुब्रा आपकी तरफ से पहली कॉल मुनाफे की कॉल। और मेरा मानना है कि इसमें टेक्निकल का यहाँ पर अच्छी बढ़त आने की संभावना है। 465 470 का टारगेट मगर से कर रहा है, 720 तक का स्टॉप लॉस लगा। थोड़ी सी आपका आवाज़ उतनी क्लियर नहीं है, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, आपने जो बोला वो टाटा कम्युनिकेशन है, ये बाय कॉल है इनकी तरफ से, और 765 रुपये का टारगेट है, 723 का एक स्टॉप लॉस है, 765 का टारगेट है टाटा कम्युनिकेशन पे। एक बार हमने सुबित ने भी पूरी कैलकुलेशन बताई थी कि कैसे बेनिफिशियरी होने वाला है, जो VSL की लैंड है अगर सरकार इसमें विनिवेश करती है, दो तीन स्ट्रेटजी भी बताई थी उन्होंने हमको, तो टाटा कम्युनिकेशन पे आप जरूर ध्यान रखें। ये तीसरी आज की मुनाफे की कॉल, 765 का टारगेट, 723 का एक स्टॉप लॉस है, ये सुब्रा की तरफ से पहली कॉल है जी। तो टाटा कम्युनिकेशन पर सुब्रा बाय करने की सलाह दे रहे हैं, और उससे ठीक पहले हेमंत ने अदानी पोर्ट्स खरीदने की सलाह दी है, और राजेश ने खरीदने की सलाह दी है BPCL। लेकिन दूसरे मुनाफे की कॉल कौन सी रहेगी राजेश आपकी ओर से BPCL के बाद? देखिए यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस 350 का है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि दिस इज गुड लेवल टू एंटर, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में है, वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 345, मेरा जो टारगेट रहेगा फॉर टूडे 364 का। ठीक है, 364 के टारगेट के लिए M&M फाइनेंस को आप बाय कर सकते हैं, कल ये अच्छा बंद हुआ है, दो रुपये करीब ऊपर बंद हुआ है, 245 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। ये राजेश की कॉल्स कंप्लीट हो गए यहाँ से, BPCL M&M, हालांकि और भी कॉल्स उनसे पूछेंगे क्योंकि लिस्ट उनके पास काफ़ी बड़ी है, लेकिन दो कॉल्स उन्होंने मुनाफे की दी है, आप इसको ज़रूर होल्ड करके रखें। आप NBCC कल अच्छा चला था हेमंत, कल अच्छी कॉल थी ये, और लास्ट में जाते जाते अच्छा मुनाफा भी देखी गई है, आज न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव इसके साथ आ गया। आज शेयर का आज का टारगेट क्या है सर? देखिए मेरे हिसाब से कल जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 13% का, और कल स्टॉक 200 के ऊपर बंद हुआ है, जो मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, वी वर ऑल वेटिंग। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल 215 का होना चाहिए, जो इमीडिएट मुझे लग रहा है टारगेट। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे 199 का, क्योंकि ब्रेकआउट 200 के ऊपर दिया है, तो वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे ख्याल ये स्टॉक कल आपने भी बात की थी इसके बारे में, और डिलीवरी वॉल्यूम्स आपने आज प्रोग्राम की शुरुआत में बताया बहुत अच्छे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जरूर रखना चाहिए रडार पे बाइंग लिस्ट में। ठीक है, और हमने बताया भी था कि खबरों में भी है, वो भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से एक्टिविटी जो है मोमेंटम बना रह सकता है, धारावी के रीडेवलपमेंट का काम मिल सकता है NVCC को मुंबई में, तो नजर रखकर चले स्टॉक पर। सुब्रा आपने टाटा कम्युनिकेशन पर तो बाय रिकमेंडेशन दी है, दूसरी रिकमेंडेशन क्या है आज के लिए? टाटा ग्लोबल अगर इसकी भी अगर आप देखें तो अभी तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी मिली है, ये पहले लास्ट थ्री मंथ काफी डिसअपॉइंटिंग थी, एक के ऊपर लेकिन इस वक्त मेरा मानने का शायद एक्सपायरी तक अच्छी काफी यहाँ पर ब्रेकआउट देने को तैयारी है, तो वापस दो दिन के कुछ खास यहाँ पर उसने बहुत बुरा पॉपर्स मुझे देखने को मिली है। मेरा माना है शायद एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से खरीदारी की जा सकती है, टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा टाटा ग्लोबल, दोनों कॉल्स इनकी नोट कीजिए, टाटा ग्लोबल 163 का टारगेट है और 154 का एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि आज ना बैंकिंग पे आपको वापस ज्यादा ध्यान रखना है, और सुबह सुबह हमको राजेश बता भी रहे थे कि उनको एक्सिस बैंक बहुत पसंद है। राजेश, ये एक्सिस बैंक का आज का टारगेट क्या है? हालांकि दो कॉल आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी ग्रीड बढ़ गई है, क्योंकि इस तरह के मार्केट को देख के अच्छी कॉल ढूंढना जरूर चाहिए। एक्सिस बैंक पे आपका टारगेट क्या है सर? डिम्पी, एक्सिस का जो डेली चार्ट है उसमें कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ विद अ राइज इन वॉल्यूम। जो प्राइस फॉर्मेशन है दैट इज़ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्राइस फॉर्मेशन, बहुत अच्छा प्राइस फॉर्मेशन है, एक कन्विंसिंग प्राइस फॉर्मेशन कि चलो यहाँ पे इतना अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद जनरली वो फेल नहीं जाता। सो 515 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 530 का। ठीक है, तो 530 के टारगेट्स हैं एक्सिस बैंक पर राजेश के, 515 का स्टॉप लॉस। थोड़ी देर पहले हेमंत भी कह रहे थे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, एसबीआई इन पर आप नजर रखकर चलिए। वोट यहाँ पर राजेश का भी आ गया है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि आज एक अच्छा मोमेंटम दिखाए। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात हुई, ऑप्शन में भी आप स्ट्रैटेजी खेल सकते हैं। और यहाँ पर राजेश का व्यू है कि 530 की जो कॉल है एक्सिस बैंक की वो 5.5 रुपये के आसपास मिल सकती है आज के सेशन में ओपनिंग के बाद, इसे आप खरीद सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो 11 रुपये का रहेगा, 3.5 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एक ही स्टॉक पर दो अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको मिल गई है, एक स्ट्रैटेजी ऑप्शन में मिली है राजेश की ओर से, जहां पर 11 रुपये के इनके टारगेट है, 3.5 का स्टॉप लॉस, 5.5 रुपये के आसपास आप इसे खरीद सकते हैं जब ये वहां पर ट्रेड करे। कल एक अच्छा मूवर रहा भी था एक्सिस बैंक। हेमंत, आपने ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स की तो बातचीत की, एक्सिस बैंक आपको पसंद भी है, लेकिन ये बताइए अगर किसी को आज ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो कौन सा स्टॉक ऑप्शन है जो आपको ठीक लग रहा है? देखिए, आज मैं एक अलग सा स्टॉक दे रहा हूँ ऑप्शन के लिए, दालमिया भारत। देखिए, इसमें 2500 की कॉल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है। कल की क्लोजिंग 75 से 76 रुपये के आसपास रही है। पहले मैं एक मिनट स्टॉक के बारे में बता दूं, कंप्लीट आउट परफॉर्मर है अपने सेक्टर में। जिस तरह से कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत ज्यादा है, कि ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है इसलिए मैं ऑप्शन में बाय दे रहा हूं, नहीं तो मैं फ्यूचर ही बाय दे देता। इसमें स्टॉप लॉस आपने रखना है 2485 का, और मुझे लगता है टारगेट 2640-2638 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें तो 38 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है, और 155 से 160 रुपये तक का मुझे इसमें टारगेट नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म करता जाएगा। हेमंत, ये मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स आपको ज्यादा पसंद है क्या, या फिर ज्यादा क्लोजली आप ट्रैक करते हैं क्या? दालमिया भारत की आज आपने बात की, इंडिया सीमेंट आप ऑफन रेकमेंड करते हैं, और कल भी आपने उस स्टॉक की बातचीत की थी। देखिए, मैं ऐसा कोई खास तो प्यार नहीं है दीपाली, बट जिसमें मोमेंटम मेंटेन रहे, और मुझे ऐसे लगता है कि मझोले सीमेंट काउंटर्स में मोमेंटम वापस आ रहा है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए लॉन्ग साइड पे। ठीक है, तो आपको दोनों की ऑप्शंस भी ट्रेड पता लगी। एक तो राजेश सतपुते कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक की 530 की कॉल लेनी है, और डालमिया भारत की 2500 की कॉल लेनी है। ये दोनों कॉल्स भी आपको क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा ना, मेरी लिस्ट में आज हमने हाई डिलीवरी वाले और हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स भी निकाले हैं। कल भी हमने आपको इसी सेगमेंट में एनबीसीसी दिया था जो चला था। आज फिर से टाटा केमिकल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप कर रहा है, और यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा की डिलीवरी है और वॉल्यूम में करीब 1.5 गुना से ज़्यादा बना है। एनबीसीसी आज भी हमारी लिस्ट में है जिसमें करीब डिलीवरी 1.5 गुना है। हालांकि हेमंत हमको कॉल दे ही चुके हैं वापस नए टारगेट के साथ, 215 के साथ, लेकिन टाटा केमिकल पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है राजेश? क्योंकि ये अच्छा वॉल्यूम और अच्छा बेस है इसके पास, और ये जिस सेगमेंट से वो शेयर तो चलते ही है लगातार। इट्स अ गुड काउंटर, नो डाउट कि उसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन भी है। रफली हमने देखा 660 से लेके एक बार इसमें करेक्शन भी हुआ 580, एंड 580 से फिर से उसका जो ट्रेंड है वो रिज्यूम कर रहा है। अभी जो पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि रफली 615 और 610 के आसपास का एक कंसोलिडेशन देखा। कल भी इसमें एक मोमेंटम था, हालांकि लास्ट में फिजल आउट हुआ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि टाटा केमिकल शुड बी बाय ऑन डिप काउंटर। अगर आप टाटा केमिकल का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 620 का है, लेकिन मुझे लगता है कि निकाल देगा, तो एक कॉल लेना यहाँ पे एक समझदारी होगी। 610 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रहेगा 638 का। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स पे भी आपको ध्यान रखना है। ये शेयर आपको मिल चुका है बोनस के तौर पर, तो आपको दो दो कॉल्स, इनफैक्ट हमने राजेश 3 कॉल लिया आज आपसे, एक्सिस बैंक जानबूझ के उनसे पूछवाया, वो बहुत बुलिश है इस पे।